साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैं 1800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए केसरापल्ली आश्रम में हमारी टीम आ पहुंची है। जो गरीबों में जीवन उपयोगी चीज वस्तु का वितरण होगा वो सारी वस्तु गाड़ियों के अंदर रखी जा रही है और यहां से आज निकले। हमको भी मौका गुरु जी ने दीना, हमको भी मौका गुरु जी ने दी, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले, हो जाओ भव से पार जब गुरु सेवा मिले। गुरु भक्तों की, हरि भक्तों की। यहाँ पर हमारा हिंदुत्व का अभाव है, उस जगह पे जा करके अपन ये सेवा को शुरू करेंगे। कंधमाल जिला के दारिंगबाड़ी ब्लॉक के जो इलाका है जहाँ केवल 10% से 15% ही हिंदू लोग है, सनातन की रक्षा के लिए और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए ये सारा व्यवस्था है और सब लोग साधक इकट्ठे होकर के अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। क्योंकि जीवन भर जो कमाई करते हैं ना वो तो कुछ साथ में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मिलता है वो साथ जाएगा, इसलिए ऐसे सोच कर हमारे भाई लोग हर साल यहाँ पर आते हैं, सब मन भर के सेवा करते हैं। हमारे गुरुदेव ने बताया है कि देखो अपने घर में जैसे कि दीपावली बना रहे हम, तो गरीबों के घर में भी ऐसे ही दीपावली बनाए जैसे हम भी बनाते हैं, उनको लिए सुख शांति। बढ़िया, बाबूजी का कहना है कि अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पहनाओ, अच्छे से उनके लिए व्यवस्था करो। जो गरीब है वो गरीबों की सेवा करना मतलब मेरा हृदय को जीतना। यहाँ तक गुरु जी ने ध्यान दिया कि बोले गरीबों को मिठाई पहुँचे, वो लोग खजूर खाए और उनको अच्छा बर्तन दो, जोधपुर से जो बर्तन भिजवाई, तो गुरु जी ने बोले नहीं सबको त्रिफला टेबलेट दो सेवा में, जिससे उनकी अंतरनाड़ी वगैरह स्वच्छ रहे और आंखों की रोशनी बढ़े। पूज्य गुरुदेव की कृपा है, सतत नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ कैसे अच्छे से अच्छा सेवा हो और गरीब तक पहुँचे, मतलब इस तरह संस्कृति की अभिवृद्धि हो, इस बात को ध्यान में रख के 12 महीना कुछ ना कुछ आश्रम से सेवा चलता रहे। तो 10 से 10 दिन के वीडियो इसी चैनल साधक परिवार सूरत और अंजनी के चैनल इंडिया एक्सप्रेस पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अवश्य शेयर करना। 12 बजे निकल जाएंगे यहाँ से और जहाँ हमारा प्रोग्राम भंडारा शुरू हो रहा है उस जगह पे पहुँचेंगे रात को, वहाँ व्यवस्था करके फिर दूसरे दिन से मतलब यज्ञ करना है विश्व शांति का, पूज्य गुरुदेव की आयु आरोग्य और स्वास्थ्य की मंगल कामना भावना करके, उसके बाद वहाँ भंडारा भी होगा, सत्संग ओमकार भाई द्वारा सत्संग भी होगी और गरीबों में जो अन्न वस्त्र आदि है, कंबल है, बाल्टी है आदि बहुत सारी चीज़ है गुरु जी की कृपा से जो व्यवस्था। कल 18 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, 18 तारीख से शुरू होगा, फिर 18 से लेकर के अपना 27 तक ये लंबी रूट का प्रोग्राम है। तो 18 को वहाँ ऋषिमाल में, उसके बाद ब्राह्मणी गांव, उसके बाद कटिंगिया करके एक जो दारिंगबाड़ी ब्लॉक कंधमाल जिला के दारिंगबाड़ी ब्लॉक के जो इलाका है जहाँ केवल 10% से 15% ही हिंदू लोग है, 20-20 किलोमीटर अंतराल में एक गाँव मिलता है, मतलब ऐसे कमी है जहाँ पर हमारा हिंदुत्व का अभाव है, उस जगह पे जा करके अपन ये सेवा को शुरू करेंगे। वहाँ हरिनाम संकीर्तन भी होगा जिसके द्वारा मतलब उनके आयु आरोग्य के लिए भी आयुर्वेदिक दवाई का व्यवस्था है गुरु जी की कृपा से, वो सब करते हुए हम फिर वहाँ से चले जाएंगे जीरांग की तरफ। तो वहाँ रामगिरी करके जगह है, वो भी आदिवासी क्षेत्र है, उसके बाद जीरांग, ऐसा करते हुए हमारा 27 तारीख तक प्रोग्राम रहेगा। आयुर्वेदिक दवाई की बात की तो इस साल भी मतलब निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाई 10 से 10 दिन रहेगी? हाँ, 10 से 10 दिन निःशुल्क दवाई रहेगा और मूल तो ये है कि इस आयुर्वेदिक दवाई से हम 5-7 साल पहले जिस इलाके में गए थे, कई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेज दवाई खा के उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, आश्रम की आयुर्वेदिक दवाई को उन्होंने जब ट्रीटमेंट की तो उनके शरीर स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो गया, इस कारण से वो दोबारा आकर के आश्रम से चीज़ लेके गए, मतलब इसके द्वारा बहुत लाभ ही होता है। इस हिसाब से
वो सामने से बोलते हैं कि दवाखाना आप लेके आना, इसलिए लेके जाते हैं। गरीबों की तो सेवा करोगे, साथ साथ में हिंदू सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार करोगे और घर वापसी भी करोगे। हाँ, इस बार संस्कृति के लिए तो मूल तो संस्कृति के लिए ही सब कुछ किया जाता है। मूल में सनातन की वृद्धि के लिए, सनातन की रक्षा के लिए और सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए ये सारा व्यवस्था है। और सब लोग साधक इकट्ठे होकर के अपना तन मन धन से लगे हुए हैं और गुरु जी की परम कृपा है, उनके प्रेरणा है, इसीलिए सनातन के लिए ही लगे हैं। और जो घर वापसी का बात है, बात हुई है उस एरिया में, कई लोग कन्वर्टेड हो गए थे, उनको अपन बोल बाल के बीच बीच में जा करके सत्संग प्रोग्राम ये करके उनको अपने विचार में रखे हुए, तो इस बार जाएंगे तो वो अपने में भी आएंगे, ऐसा संभावना है पूरा। ये 10 दिन का कार्यक्रम तो दीपावली निमित्त रहता है, लेकिन फिर 12 महीना कार्यक्रम शुरू ही रहता है। ये तो दीपावली 10 दिन के लिए होता है प्रोग्राम, उसके बाद हम बीच बीच में जैसे शिवरात्र हो गया, कभी होली हो गया, अथवा बीच में कहीं जाके भंडारा किया, कहीं मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, कहीं सत्संग हुआ, अभी जैसे ऋषिमाल पर्वत में खंडहर पड़ा था और सबको इकट्ठा करके हिंदू समाज को एकत्रित किए, वहाँ पर अभी रोड भी बन रहा है, मंदिर की तैयारी हो रही है, वहाँ पर कुंड स्नान करने के लिए स्नान पड़ता है ना जैसे कार्तिक महीना में, तो वहाँ स्नान करने की व्यवस्था भी हो रही है। मतलब इस तरह संस्कृति की अभिवृद्धि हो, इस बात को ध्यान में रख के 12 महीना कुछ ना कुछ आश्रम से सेवा चलता रहता है। हमने एक वस्तु काफ़ी गौर की कि जो चावल है, चावल एकदम अच्छी क्वालिटी, क्योंकि ये बोरी भर रहे थे तो बोरी टूटी, तो थोड़ा दिखा दे अंजनी, तो बोरी टूटी तो देखा कि एक नंबर क्वालिटी के मतलब चावल है, तो ये गरीबों को यही पका, यही यही गरीबों को यही बढ़िया बाबूजी का कहना है कि अच्छे से खिलाओ, अच्छे से पहनाओ, अच्छे से उनके लिए व्यवस्था करो। जो गरीब है वो गरीबों की सेवा करना मतलब मेरा हृदय को जीतना, इसलिए बाबूजी कहते हैं। यहाँ तक गुरु जी ने ध्यान दिया कि बोले गरीबों को मिठाई पहुँचे, वो लोग खजूर खाए और उनको अच्छा बर्तन दो, जोधपुर से जो बर्तन भिजवाई, पेठा आगरा से भिजवाया, खजूर अहमदाबाद से आई, बाबूजी ने कितना ध्यान दिए कि ये लोग कैसे खाए। और हमने हिंगादी हरट गोली के लिए बोला था तो गुरुजी ने बोले नहीं, सबको त्रिफला टेबलेट दो सेवा में, जिससे उनकी अंतरनाड़ी वगैरह स्वच्छ रहे और आँखों की रोशनी बढ़े और शरीर स्वस्थ रहे, त्रिफला माँ की जैसा होता है। ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है, सतत नज़र रखे हुए हैं कि यहाँ कैसे अच्छे से अच्छा सेवा हो और गरीब तक पहुँचे। 70 लोगों की टीम सूरत से आई है, तो यहाँ से कितने लोग जुड़ेंगे? और हम टोटल मिला करके 250 लोग हो जाएंगे, 70 से ज़्यादा तो पहले आपके साथ 70 लोग आए हैं, पहले से और 10-15-20 लोग आए थे भाई लोग जो सेवा में अभी लगे, देख रहे हो गाड़ी भर रहे, और हमारा यहाँ से लगभग 100 से 125 लोग तो आ ही जाएंगे गाड़ी में। देखो 5-7 गाड़ियाँ खड़ी है, आपको पता है आइचर, खाली आइचर ही 5 खड़ी है और दूसरे फिर अपना पिकअप है और कारें हैं, ये सब जाने वाला है साथ में, तो 250 लोग जाएंगे साथ में। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।